राजस्थान परिवार सेवा संस्था चंडीगढ़ शहर में समाज सेवा के लिए जानी जाती है। आज ट्रांसपोर्ट हाउस ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 26 में लगभग 100 के करीब लोगों ने रक्तदान कर इस शिविर को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा मुख्य अतिथि मणिराम शर्मा को राजस्थान रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मणिराम शर्मा ने संस्था द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों की सराहना की व संस्था को हर प्रकार में से सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में श्री विक्रांत खंडेलवाल की उपस्थिति में संस्था का मनोबल बढ़ा व उन्होंने संस्था के प्रधान पवन शर्मा व उनकी टीम के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा की। इस शुभ अवसर पर शहर के वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन, रविकांत शर्मा, भाजपा चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूर, डेरावसी विधायक एनके शर्मा, रामवीर भट्टी, चंद्रशेखर, सीटीए के प्रधान केके अब्रोल, समाज सेवी मीना गर्ग, बीएल शर्मा, राजकुमार वर्मा, पार्षद दिलीप शर्मा व रतन गुप्ता को संस्था द्वारा शॉल व पौधे देकर सम्मानित किया गया। इनके अलावा सुनील शर्मा, रामलाल, अरविंद सिंह, अजीत झा, प्रिंस मेहरा, अमित सिंह, राधे राधे, रामललन, महेंद्र दुबे, दरबंद सिंह नेगी, राजमणि तिवारी अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एचएसएससी के अधिकारी सत्यवान सेराजी, डीएसपी गुरमुख सिंह, एसएचओ जसवीर सिंह को शॉल व पौधे देकर सम्मानित किया गया। संस्था के प्रधान पवन शर्मा ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया व उनका मानना है कि उनकी टीम व पीजीआई की टीम के सकारात्मक सोच व लगन से 100 के करीब यूनिट रक्त एकत्रित किया व सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद किया। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। हमारी जो संस्था राजस्थान परिवार सेवा संस्था है, आज ही नहीं पिछले भी एक डेढ़ साल से लगातार जब से संस्था बनी है समाज की सेवाओं में हम हर टाइम लगी रहती है। उसी क्रम को हम आगे चलाते हुए आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया 26 में और ये बहुत ही पुण्य का काम है। इससे अगर कोई ब्लड देता है, अगर किसी को पेशेंट को जरूरत है उसकी जान चली जाती है, हमारा थोड़ा सा उपकार किसी की जान बचा सकता है। यही सोचकर हमारी संस्था में ये निर्णय लिया गया सब भाइयों ने कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और उसका आज हमने आयोजन किया। कितने लोगों ने अभी रक्तदान? अभी तक 48 की करीब यूनिट हो गई हैं, बाकी अभी तो चल रहा है, लेट तक चलेगा 3:30-4 बजे तक। तो जब तक हो जाए 100 के आसपास, हमारा आशा है कि 100 के आसपास हमारा ब्लड डोनेशन कैंप यूनिट हो जाएगी। ठीक, राजस्थान परिवार की तरफ से ब्लड कैंप लगाया गया, इसमें से अभी कार्यक्रम 10 बजे शुरू हो गया। हमें मुख्य अतिथि अनुसूत जी को बुलाया था और संजय टंडन जी आए, मेहर साहब आए और ब्लड कैंप पे अभी 50 के करीब हो गया और 100 के करीब हमें कुल देना है। और हमें इसलिए कर रहे हैं कि ये ब्लड कैंप किसी को कभी भी कोई भी किसी एक्सीडेंट में और में, ये बड़ा पुण्य का काम है, धर्म का काम है, ये ब्लड कैंप इसलिए किया जाए राजस्थान परिवार की तरफ से।